पंजाब में 15 अगस्त को लेकर सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। अमृतसर, फिरोजपुर, संगरूर समेत कई जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। साथ ही एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर पुलिस प्रशासन की तरफ से सर्च अभियान चलाया गया है। साथ ही लोगों से पुलिसकर्मियों ने अपील की है कि अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दें। पंजाब में 15 अगस्त को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से कड़ा कर दिया गया है। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अलग अलग जिलों में पुलिस ने नाकेबंदी की है और साथ ही साथ लोगों से भी अपील की है कि अगर कोई संदिग्ध गतिविधि या कोई संदिग्ध शख्स दिखाई दे तो उसके बारे में जरूर पुलिस को सूचित करें। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अलग अलग जिलों में पुलिस ने नाकेबंदी की है और तमाम जगहों पर पुलिस बेहद चौकस नजर आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, पंजाब में 15 अगस्त को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी है। अलग अलग जिलों में पुलिस ने नाकेबंदी की है। ये साडा जिहड़ा फ्लैग मार्च सी मानजोग सीपी सर दी इंस्ट्रक्शनां मुताबक असी जोन 1 दे एरिया दे विच 15 अगस्त नूं मद्देनजर रखदे होए फ्लैग मार्च जिहड़ा जोन 1 दी फोर्स नाल और साडीआं आर्टिका जिहड़ीआं साडीआं चलदीआं ने PCR दीआं उहनां नूं नाल लै के फ्लैग मार्च कीता आ और इहदा मकसद इही है कि शरारती अंसरां नूं जिहड़ा भजाया जावे और पब्लिक दे विच जिहड़ा वा विश्वास पैदा कीता जावे। पंजाब में 15 अगस्त को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पूरे तरीके से कड़ी कर दी गई है। अलग अलग जिलों में पुलिस ने नाकेबंदी की है। संवाददाता दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, पूरे पंजाब में 15 अगस्त को लेकर किस तरह की तैयारियां नजर आ रही हैं, क्या कुछ है सुरक्षा व्यवस्था, विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, स्वतंत्रता दिवस को लेकर पूरी तैयारियां जो है पंजाब में है और अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो पहले से कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था जो है कड़ी की गई है। हर शहर में जो है नाकेबंदी की गई है। एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर जितने भी शहरों के एंट्री और एग्जिट पॉइंट हैं वहां पे लगातार जो है नाकेबंदी की गई है और वाहनों की जांच की गई है। पंजाब पुलिस के हर विंग की बात करें, चाहे वो काउंटर इंटेलिजेंस है, चाहे वो खुफिया विभाग है या जितने भी विभाग है पंजाब पुलिस के, पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहे हैं। खाली एक मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया था, 3 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया था और बड़ी साजिश को कहीं ना कहीं 15 अगस्त पर बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे ये आरोपी, उनको जो है गिरफ्तार किया गया था। तो कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस पूरी तरह से सतर्क है और पूरे पंजाब की अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से कड़ी की गई है 15 अगस्त के कार्यक्रमों को देखते हुए। जी बिल्कुल, क्योंकि दीपक सबसे ज्यादा मुश्किल हालात तब होते हैं क्योंकि सरहदी ये राज्य है और नापाक हरकतें लगातार पाकिस्तान की तरफ से जारी रहती हैं, चाहे वो ड्रोन गतिविधि हो या फिर घुसपैठ की गतिविधियां हो। ऐसे में एक बड़ी चुनौती पंजाब पुलिस के सामने हमेशा से रही है। जी बिल्कुल, लगातार क्योंकि जैसे आपने कहा कि एक सरहदी एरिया है पंजाब के, काफी 500 किलोमीटर से अलग जो है, 500 किलोमीटर से ज्यादा जो है वो सरहदी एरिया लगता है पंजाब के साथ, तो कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस को कहीं ना कहीं ज्यादा सतर्क रहना पड़ता है, उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी जो है कड़े करने पड़ते हैं। घुसपैठ की लगातार कोशिश जो है पाकिस्तान की ओर से होती है, ड्रग्स जो है लगातार भेजी जाती है, हथियार वहां से लगातार भेजे जाते हैं और खासकर अगर 15 अगस्त की बात करें, स्वतंत्रता दिवस की बात करें, तो इसमें कहीं ना कहीं खलल डालने की कोशिश जो है वो की जाती है, जिसको लेकर जब बताया कि पंजाब पुलिस के सभी विभाग, चाहे वो काउंटर इंटेलिजेंस हो, चाहे पंजाब पुलिस के अलग अलग विभाग हो, तमाम विभाग जो है पूरी तरह से सतर्क है। पूरे पंजाब में नाकेबंदियां जो है वो की गई है, जगह जगह जो है शकी लोगों की जांच की जा रही है, शकी वाहनों की जांच की जा रही है और पूरे अगर कार्यक्रम स्थलों की बात करें तो वहां भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो है पंजाब पुलिस की ओर से किए गए हैं। चलिए दीपक, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बना रखिएगा, अपडेट्स आपसे लेंगे। संवाददाता दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे। पंजाब में स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशनों समेत तमाम जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है।
आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। और ये बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश के सोलन से सामने आ रही है, जहां पर बादल फटा है और हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत की खबर आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, हिमाचल प्रदेश के सोलन में बादल फटा है, कई मकानों को भी क्षति पहुंची है और साथ ही साथ 7 लोगों की जान चली गई है। सायरी के जादौन गांव में ये बादल फटा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, भूस्खलन के कारण 2 मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ट्वीट कर हादसे पर दुख भी जाहिर किया है। अब तक 5 लोगों को बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद दी जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की, मलबे से अब तक 7 शवों को बाहर निकाला गया है। हिमाचल के सोलन में बादल फटा है, 2 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश के सोलन की है, जहां कई मकानों को नुकसान पहुंचा है, 7 लोगों की जिंदगी खत्म हो चुकी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं MH1 न्यूज पर। संवाददाता अमरप्रीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमरप्रीत, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, काफी दुखद घटना, 7 लोगों की मौत की खबर, विस्तार से बताएं इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। अगर बात की जाए रात को 1:30 के करीब सोलन के कंडा घाट के जो है जड़ो गांव में जो है ये बादल फटा है और बादल फटने की वजह से 2 घर जो है क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिसमें 7 लोगों की जो है मौत हो गई है। रेस्क्यू कार्य जो है तकरीबन पूरा कर लिया गया है, लेकिन अगर बात की जाए कि सड़कों की तो सड़कों का बहुत ही बुरा हाल है, उनसे जो संपर्क जो है अभी नहीं हो पाया है कोई भी। अगर बात की जाए अधिकारी अभी तक मौके पे नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन पुलिस व जो स्थानीय लोगों की मदद से जो है ये रेस्क्यू कार्य किया गया है और 7 जो है शव निकाले गए, 5 लोगों को भी जो है सुरक्षित निकाला गया है। इसमें जो ये रात को जो बादल फटा है तकरीबन 1:30, इसमें 2 घर व एक गौशाला जो है जो तबाह हो गई थी, और इसमें जो एक घर के 4 व्यक्ति और दूसरे मकान में जो है 9 व्यक्ति फंसे थे, जिनमें से 5 को सुरक्षित निकाला गया था और जो है 7 जो है शव सवेरे तक जो है निकाले गए हैं। वहीं क्योंकि बारिश पूरी कल सुबह से लगी हुई है, जिस वजह से वहां पे संपर्क मार्ग भी टूटे हुए थे और जो राहत पहुंचाने का कार्य था वो भी बहुत ही मुश्किल हो रहा था। और सुबह होते होते जो प्रधान वहां का है उन्होंने अपनी JCB लगवा कर जो है रास्ते खुलवाया और जो है मतलब की मदद की बात की गई है, लेकिन अगर बात की जाए तो जगह जगह से रास्ते बंद है और जिस वजह से अभी भी रात वहां पे पहुंचाने में जो है अभी प्रशासन नहीं पहुंच पाया है। वहीं स्थानीय लोगों की जो है मदद व पुलिस जो है टीम ने वहां पे पहुंचकर इसमें रात कार्य किया है। ठीक, शुक्रिया अमरप्रीत इस तमाम जानकारी के लिए। तो हिमाचल के सोलन में बादल फटा है, रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, मुख्यमंत्री ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर दुख जताया है। ये ट्वीट पंजाब के मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का, और हिमाचल के सोलन में जिस तरीके से ये बादल फटा उस पर उन्होंने गहरी संवेदना जाहिर की है और पीड़ित परिवारों के प्रति उन्होंने हार्दिक शोक संवेदनाएं जाहिर की है। साथ ही कहा है कि प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश के सोलन में बादल फटने से 7 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी है, 2 मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं, 5 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बकायदा ट्वीट जाहिर कर अपनी शोक संवेदनाएं दी हैं। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं।